अच्छी पार्टी के लिए। लोग ठीक कहते हैं, अपना देश अपना होता है और अपने दोस्त अपने। वो तो है। और अपनी गर्लफ्रेंड अपनी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। वैसे प्रतीक, मानना पड़ेगा आजकल ऐसा रोमांस देखने को मिलता नहीं है। गाइस, मैं कुछ ड्रिंक लेके आती हूँ। ओके। हे, कैन आई गेट योर ड्रिंक? आई मीन, क्या पियेंगे आप? क्यों, तुम वेटर हो? बाय द वे, आई एम सौरभ। और आप? देखो, अगर तुम इस दुनिया के अकेले लड़के होते तब भी मैं तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तो ये नाम वाम पूछ के टाइम वेस्ट करना बंद करो। हेलो हेलो, हेलो हेलो, तनीषा जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यार, नेटवर्क भी नहीं है। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी तनीषा? नेटवर्क कैसे चला गया? फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो आयशा, आयशा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सर, ये सब कैसे हुआ? एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गई और जब वापस आई तो ये सब। तुम्हारे अलावा और कौन कौन दोस्त है आयशा के यहाँ पे? सर, ये प्रीति और ये विशाल है सर, आयशा का बॉयफ्रेंड। देख के लगता है कि आयशा का किसी के साथ हाथापाई तो नहीं हुई है। ये फोन रिसीव करने के लिए बाहर गई और वहाँ पहले से खूनी इसका इंतजार कर रहा होगा। मतलब सर, ये खूनी ने सब प्लानिंग करके किया? नहीं पंकज, ये प्लान्ड मर्डर तो नहीं लगता, क्योंकि अगर प्लान किया होता तो उसने किसी और हथियार का इस्तेमाल किया होता, ना कि कांच का। मतलब अचानक यहाँ पे कोई गुस्सा हो गया होगा आयशा पे और मार दिया होगा। लगता तो कुछ ऐसा ही है फ्रेडी। आयशा का यहाँ पे किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? कोई कहा सुनी? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ये सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे। What? सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, इतनी लापरवाही? सर, वो कल आखिरी गाने के दौरान धुएं की वजह से शायद टेक्निकल एरर आ गया, मैं जल्दी ठीक करवा लूंगा। ठीक कराओगे जब? जब तुम्हारा एक क्लब वापस खुलेगा। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम्हारा क्लब बंद। सर, मुझे लगता है ये खून सौरभ ने किया है। आमिर बाप की बिगड़ी औलाद है। Hey, can I get your drink? I mean, क्या पियेंगे आप? क्यों, तुम वेटर हो? By the way, I'm Saurabh. और आप? देखो, अगर तुम इस दुनिया के अकेले लड़के होते तब भी मैं तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तो ये नाम वाम पूछ के टाइम वेस्ट करना बंद करो। और जब आयशा ने उसे टेढ़ा जवाब दिया तो वो गुस्से में उसके पीछे पीछे बाहर तक गया था। सौरभ कहाँ? सर, वो तो नहीं है। तुमसे कहा था ना मैंने, कोई भी इस क्लब से बाहर नहीं जाएगा। सर, जाने नहीं दिया, शायद वो जुर्म करने के बाद ही चला गया आयशा के अंदर आने से पहले। आयशा और सौरभ बाहर किस तरफ गए थे? सर, उस तरफ।
सर, खून का निशान। तो यहां से आयशा अंदर गई थी। आगे देखते हैं। सर, ये यहां भी खून के डब्बे हैं सर। पंकज, नो नो, इतना सारा खून और ये कांच के टुकड़े, लगता है आयशा पे हमला यहीं हुआ है। सर, और नो, कहीं सौरभ तो नहीं? इसकी हालत बहुत खराब है, एम्बुलेंस को फोन करो। चलिए, इस क्लब में इतने सारे लोगों के बीच एक लड़की का खून हो जाता है, बाउंसर्स का अता पता नहीं, सीसीटीवी कैमरा है पर काम नहीं कर रहा, और तो और यहाँ पे किसी ने कुछ होते हुए देखा नहीं है, ना कमाल की बात। आयशा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, हमें आना ही नहीं चाहिए था। विशाल प्लीज, अपने आप को दोष मत दो, प्लीज संभालो अपने आप को। आपकी सहेली का यहाँ खून हुआ है और आपका ये रवैया है? अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे ये लगता है कि खूनी यहाँ पर आयशा को मारने के इरादे से तो नहीं आया था, तैयारी के साथ नहीं आया था। यहाँ इस क्लब में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया और उसने आयशा का खून कर दिया और साथ में सौरभ पे भी हमला किया। मुझे लगता है कि वो खूनी आप सब में से कोई एक है। बड़ी पंकज, यहाँ जितने हैं सबके डिटेल्स ले लो। माफ कीजिएगा रामा जी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। इट्स ओके डॉक्टर, आपसे जो कुछ भी बन पड़ता था आपने सब कुछ किया, अब हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड डॉक्टर, आप ठीक है ना? आई एम फाइन। अनईजी फील हो रहा है। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। तनिषा, आयशा की मौत से पहले तुम्हारी उसके साथ फोन पर बात हुई है ना? तो क्या उस फोन कॉल के बारे में हमें कुछ डिटेल में बता सकती हो? सर, डिस्को में म्यूजिक लाउड होने की वजह से ना मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई। हाँ, पर उसको ये कहते हुए सुना। क्या हो रहा है, बता क्यों नहीं रहे हो? दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब आयशा ये सब उस खूनी से कह रही थी? सर, उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आयशा का खूनी उसे कह रहा था वहां से भागने के लिए। बड़ी अजीब बात है, खूनी आयशा को भागने के लिए कहता है और आयशा को खूनी की चिंता है। तनिषा एक बात बताओ, क्या उस आवाज को पहचान सकोगी जिससे आयशा बात कर रही थी? नहीं सर। सर, लेकिन अगर खूनी को आयशा की इतनी चिंता है तो फिर उसने उसे मारा क्यों? वही तो, खूनी को विक्टिम की चिंता है और विक्टिम को खूनी की चिंता। सर, इसके सर पे जो गोली लगी है उसके अलावा इसके पूरे शरीर पे कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि खूनी अचानक यहाँ पे आके इन पे गोली चला दी। ऐसे हुआ होगा, ये देखो यहाँ भी खून है। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, खूनी गन यहाँ छोड़ के क्यों गया? वो तो अपने साथ लेके भी जा सकता था गन को। वही तो बड़ी अजीब बात है कि खूनी ये गन यहाँ क्राइम सीन पर छोड़कर क्यों गया?
सर ये देखिए नीचे यहाँ पे ये टेप चिपका हुआ था। वॉश बेसिन के नीचे टेप? लगता है यहाँ टेप से कुछ चिपकाया था जो अभी यहाँ नहीं है। शायद इस केस से रिलेटेड कुछ हो। जरूर देखते हैं। नैमल जी डॉक्टर यशवंत आपके डॉक्टर थे? जी हाँ। आप लोग यहीं पे बैठे थे इसी टेबल पर? जी हाँ। वो दरअसल मेरी बीमारी के सिलसिले में मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। आज जब आप उनसे बात कर रही थी तो आपको लगा कि किसी बात को लेकर वो परेशान थे? परेशान तो नहीं, लेकिन हाँ अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी मेरे सामने, और वो एक्सक्यूज मी बोल के वॉशरूम के लिए चले गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सर ये कॉफी शॉप के मैनेजर है, यहाँ के भी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे। सर दो घंटे पहले तक तो काम कर रहे थे, पर अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इसलिए इंजीनियर को बुलाया हमने। ए! रुको जरा यहां ना। हेलो सर, कैसे हो आप? मेरा हाल चाल छोड़ो, आपने सुनाओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो ऐसे ही टहलने आए थे। कॉफी शॉप में टहलने आए थे? कल रात तुम्हारी सहेली का खून हो गया, तुम्हारा दूसरा दोस्त रो रो के उसका बुरा हाल है, और तुम दोनों यहाँ कॉफी शॉप में टहलने आए? तो यहाँ पर भी एक खून हो गया, ये कैसा संयोग है, है? सच में संयोग ही है सर, क्योंकि हम तो जानते भी नहीं कि डॉक्टर यशवंत है कौन। हेलो, ले आओ उसे ब्यूरो में। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। पता है पंकज, बहुत सारे लोग थे डिस्को में जब आयशा का खून हुआ, और एक एक का फोन ट्रैक करना कि मर्डर के वक्त आयशा और यशवंत के पास तो नहीं था कोई, ये मेरी तो आंखें दर्द करने लगी है। अरे ये साइलेंट को आंख पे लगाना बंद करो फ्रेडी सर, 50 और लोगों के नंबर है जिन्हें ट्रैक करना है, ये काम शुरू करो। ये क्या सौरभ, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? शरीर के जख्म तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे सर, लेकिन जो मैंने उस दिन देखा वो शायद जिंदगी भर मेरे दिमाग से कभी भुला नहीं पाऊंगा। ना मैं कल पब जाता और ना ही मुझे आयशा की चीख सुनाई देती। लेकिन आयशा के पीछे पीछे तो तुम गए थे, उसने तुमसे ठीक से बात नहीं की इसलिए। ये बात सच है सर कि मैं आयशा के पीछे गया, क्योंकि जब मैंने उसे ड्रिंक ऑफर की तो उसने मना कर दिया सर, और इनफैक्ट उसने मेरी इंसल्ट भी की, तो मुझे बहुत बुरा लगा सर, इसलिए मैं उसके पीछे गया। माय गॉड, किसने किया ये सब? चलो तुम हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हे हे रुक, हे रुक, आओ। और फिर मुझे अभी भी याद है कि सर जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, वो आम इंसानों जैसी कलाई थी ही नहीं, मुझे बिल्कुल अजीब सा एहसास हुआ सर। तो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब के इस गन पे कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है? हाँ, और वो चिपचिपी चीज रबर टाइप की है, वो जैसे सेलो टेप में होता है ना वैसा। सेलो टेप गन? ओह, तो खूनी ने पहले से गन वहां वॉश मशीन के नीचे छुपा के रखी थी, तो ये मर्डर एक प्लान्ड मर्डर था। हाँ, लेकिन ये गन जिससे यशवंत का खून हुआ है और ये कांच जिससे आयशा का खून हुआ है, इन दोनों पे भी कोई भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। लेकिन भाई, इस कांच के टुकड़े पर एक खास तरीके की कुछ केमिकल लगा हुआ है, जैसे कि वो प्लास्टिक केमिकल। अब ये इस पर क्यों लगा हुआ था, इसका क्या इस्तेमाल है, ये पता लगाना भी बाकी है। लेकिन यही केमिकल इस गन पर भी लगा हुआ है, दोनों पर। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि इस गन पे वो
सेलो टेप का गम लगा हुआ था? वो तो है ही, उसके अलावा ये भी है। उसके अलावा ये केमिकल भी है, यानी ये दोनों मर्डर, इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और जुबिन का और प्रीति का दोनों क्राइम सीन पे होना कोई सहयोग नहीं था। बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और तुम्हारी बात ये एक और चीज प्रूव करती है। इन दोनों की लाशों पर मुझे एक जैसे फेरोमोन्स मिले। फेरोमोन्स यानी वो केमिकल जिनसे खुशबू आती है? हाँ, यशवंत और आयशा, इन दोनों की लाशों पर एक जैसी खुशबू। इसका मतलब बात साफ है, या तो दोनों एक जैसा परफ्यूम लगाते थे, या फिर दोनों का खूनी एक ही था। जनरली एक औरत लेडीज परफ्यूम लगाती है और एक आदमी जेंट्स परफ्यूम। अब ये दोनों एक ही तरह का परफ्यूम लगाए, चांस थोड़ा कम है। यानी इन दोनों का खूनी तो एक ही है। आयशा की मौत के बारे में दो बातें पता चली है, एक उसकी दोस्त तनिषा ने बताई और दूसरी सौरभ ने बताई। तनिषा ने बताया कि खूनी ने आयशा को वहां उस पब में से भाग जाने के लिए कहा। अब दुनिया में ऐसा कौन सा खूनी है जो जिस इंसान को मारने गया है उसी से कहता है कि तू यहां से भाग जा? तो फिर खून करने आया ही था क्यों? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और सर वो दूसरी बात कौन सी? दूसरी बात सौरभ ने बताई। सौरभ ने कहा कि खूनी की कलाई कुछ अजीब सी थी, आम इंसान की तरह नहीं थी कलाई। शायद कलाई में रिस्ट वॉच या ब्रेसलेट हो। फ्रेडी जरा दिमाग लगा के बोलो, समझे? सर, हाँ सर, दोनों क्राइम सीन में एक नंबर कॉमन है सर। किसका क्राइम? आयशा के बॉयफ्रेंड विशाल का सर। विशाल, ये विशाल तो कॉफी शॉप में दिखाई नहीं था, तो फिर ये कॉफी शॉप में पहुंचा तब? रायमा जी, आप और यहाँ? अब सर ये मेरा ही घर है, लेकिन आप लोग यहाँ पर कैसे? डॉक्टर यशवंत के खूनी के बारे में कुछ पता चला? रायमा, ये लोग कौन है? CID ऑफिसर्स हैं। सर प्लीज आप लोग आइए ना, प्लीज कम। CID और? सर ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरा छोटा बेटा संदीप। और बड़ा बेटा विशाल, वो कहाँ है? लेकिन बात क्या है सर? मनन जी, बात यह है कि हमें शक है कि डॉक्टर यशवंत और आयशा के खून में हमें लगता शायद विशाल का कोई हाथ है। ये आप क्या कह रहे हैं? आरोप साबित नहीं हो पाया, किसी को पकड़ नहीं पाया, तो किसी को भी फंसा देंगे आप? देखिए, CID का काम है मुजरिम तक पहुंचना, ना कि किसी बेगुनाह को पकड़ के केस बंद कर देना। अब जरा प्लीज विशाल को बुलाइए। भैया खून नहीं कर सकते, अब प्लीज उन्हें पकड़ के लेके नहीं जाना। संदीप बेटा, हम तुम्हारे भैया को पकड़ने नहीं आए, और ना हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भैया ने कुछ किया है। हम तो तुम्हारे भैया से कुछ सवाल करने वाले हैं, और क्या? आप लोगों को मुझ पर शक है? एक मिनट विशाल, तुम अंदर जाओ, मैं इन CID वालों को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। देखिए, CID के काम में दखल देना भी एक जुर्म है, इसलिए प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। विशाल, डॉक्टर यशवंत की मौत हुई थी कैफे में, और तुम उस वक्त उस कैफे में थे, क्यों, किस लिए गए थे तुम? सर मैं तो वहां पर जुबैन और प्रीति से मिलने गया था, मुझे नहीं पता था कि यशवंत अंकल वहां पर मम्मी से मिलने आने वाले हैं। आयशा के साथ तुम्हारी अनबन चल रही थी ना? मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है उसकी मौत का, पता नहीं उसके बिना मेरी लाइफ अब कैसे कटेगी। मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, जा सकते हो तुम। अरे आप लोग फिर से यहाँ पे? भी कभी कभी अपने घर पे जाते हो कि नहीं? हमेशा विशाल के आसपास ही नजर आते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली
बहुत उदास है ना आजकल, तो हमने सोचा कि इसके साथ ही रहे। और जिगरी दोस्ती है हा? जुबीन, प्रीति, विशाल, कड़ी नजर रखनी पड़ेगी इन तीनों पर। तीनों के घर पे इतने कैमरा फिट किया ना फ्रेडी सर, अगर मक्खी भी मिठाई में बैठेगी ना तो पता चल जाएगा। वैसे काम वाला, दूध वाला और सब्जी वाला, इनके जरिए खुफिया कैमरा बिठाने का आइडिया बड़ा अच्छा था। अच्छा था ना? मेरा नहीं था, दया सर का था। अच्छा? हाँ, और उन्होंने हम दोनों को यहाँ बिठा दिया ताकि हम यहाँ का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करें। अरे बॉस, बॉस एक बहुत ही बड़ा सुराग हाथ लगा है जो इस केस की जड़ तक पहुंचा सकता है हमें। फिर तो कब बताएगा? अरे बता रहा हूँ ना। तो फिर बताना जल्दी यार। अरे यार सांस तो लेने दो। तुम याद है वो टूटे हुए ग्लास पर और गन पर मुझे वो प्लास्टिक केमिकल मिला था? हाँ सर, क्या है वो केमिकल? वो है ग्राफीन, जो नकली चमड़ी आर्टिफिशियल स्किन बनाने के काम में आता है। आर्टिफिशियल स्किन? प्रोस्थेटिक स्किन? प्रोस्थेटिक स्किन? प्रोस्थेटिक? दया, याद है सौरभ ने क्या बताया था? कि खूनी के हाथ में उसने कुछ अजीब सा देखा था। प्रोस्थेटिक स्किन, प्रोस्थेटिक आर्म, तो ये खून किसी रोबोट के जरिए तो नहीं हो रहे? जब खूनी का यूं मदद मांगना, कैसा तो नहीं कि ये खून अनइंटेंशनली हो रहे हैं बिना चाहे? नहीं दया, बिना चाहे खून कैसे हो सकता है? रही बात इस रोबोटिक आर्म की, ये रोबोटिक आर्म तो किसी की इशारे पर ही चलेगी ना। क्या सड़के ऐसा कोई आदमी है जो इस रोबोटिक्स में प्रोस्थेटिक आर्म बोल, रोबोटिक आर्म बोल, पूरे रोबोट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है? हाँ है ना, डॉक्टर जैस्मीन। मिलते हैं इस डॉक्टर जैस्मीन से। डॉक्टर जैस्मीन, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ऐसा वाला प्रोस्थेटिक हाथ लगाया हो, रोबोटिक आर्म, तो क्या वो आर्म, वो हाथ किसी दूसरे के इशारे पर काम कर सकता है? मतलब नकली बाजू लगाया गया है ए को, लेकिन इस बाजू से क्या काम करवाना है इसका कंट्रोल ए के पास नहीं बल्कि बी के पास है। क्योंकि हमें शक है कि इस केस में खूनी खून अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, कोई और उससे करवा रहा है। सर ये सुनने में जितना मुश्किल है दरअसल नामुमकिन नहीं है। जैनिश, जरा दामिनी को अंदर भेजो। हाँ वही मरीज जिसका कल टेस्ट हुआ था। मरीज? सर दामिनी ने अपना दायना हाथ फैक्ट्री में काम करते हुए गंवा दिया था। सर मशीन में आ गया था मेरा हाथ, इसलिए हमने इसे ये लू काम लगाया है जिसका कंट्रोल इंसानी दिमाग के पास ही है। एक नकली बाजू इंसानी दिमाग के जरिए काम कर रहा है, मगर कैसे? सर साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ये योला यानी लू आर्म अपने आप में एक नया और पहला आविष्कार है। मान लीजिए इसमें एक चिप है, या यूं कहिए इसमें एक सॉफ्टवेयर है जो इंसान के दिमाग की फ्रिक्वेंसी को पकड़कर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हैंड, उठना, बैठना, चलना, ये सभी कमांड्स को समझता है। ग्रेट, साइंस ने वाकई बहुत तरक्की की है। वाकई रोबोटिक आर्म। माय हक कर रहा है, इधर हम दोनों गाड़ियों में बैठे हुए। फ्रीजर, ये विशाल तो प्रीति के घर जा रहे हैं।
विशाल तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओके ये लो कॉफी पी लो। विशाल प्रीति आई ओके प्रीति विशाल नहीं विशाल छोड़ आयशा और डॉक्टर यशवंत का खून मेरे ही हाथ से हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या हो रहा है ये? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे हाथ को। कुछ प्रॉब्लम? क्या हो रहा है बता क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आयशा भागो यहाँ से, भागो, मैं बोलता हूँ ना भागो। आयशा डॉक्टर निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो? मैं क्या करूँ सर, मेरा मेरे हाथ पर कोई कंट्रोल नहीं। क्या तुम्हारा तुम्हारे हाथ पर कंट्रोल ही नहीं रहता, इसका क्या मतलब है? ना जाने अचानक कभी कभी क्या हो जाता है। इसीलिए तुमने आयशा को वहां से भाग जाने के लिए कहा? हाँ सर, मैंने आयशा को वहां से भागने के लिए कहा था। आयशा भागो यहाँ से, भागो। और मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं डॉक्टर यशवंत पर गोली ना चलाऊं। डॉक्टर यहाँ से जाओ। एक बात बताओ, क्यों गए थे तुम कैफे में? मैं वहां पर डॉक्टर यशवंत से अपना हाथ फिक्स कराने गया था और जुबीन प्रीति मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं बता सकता था कि आयशा का मेरे हाथों से खून हुआ। मैं जानता हूं सर, मेरी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है, खून मैंने नहीं बल्कि मेरे हाथ ने किया है। डॉक्टर जस्मीन, ये विशाल जो कह रहा है क्या ये सच है? मेरा मतलब है क्या ये मुमकिन है कि एक रोबोटिक आर्म अपना ही दिमाग डेवलप करता है और फिर उसी दिमाग को लगा के कुछ भी कर सकता है? चांसेस कम है सर, मगर हाँ अगर हाथ के अंदर लगे सॉफ्टवेयर को कोई हैक कर ले तो ऐसा हो सकता है। क्या प्रोस्थेटिक हाथ में लगा हुआ सॉफ्टवेयर हैक किया जा सकता है? हाँ दे, हैक हो सकता है, पॉसिबल है। जब हैकर इस नकली हाथ की चिप हैक कर लेता है तो ये नकली हाथ उस आदमी के दिमाग से नहीं चलता जिसके शरीर में ये लगा है, बल्कि ये नकली हाथ चलता है हैकर के दिमाग से। मतलब किसी ने विशाल के इस रोबोटिक आर्म के सॉफ्टवेयर को हैक किया और फिर उससे खून करवाया। सर इससे अच्छा तो मैं एक बाजू के सहारे ही अपनी जिंदगी काट लूं, जो हाथ दूसरों की जान का दुश्मन बन जाए, ऐसा हाथ मुझे नहीं चाहिए सर। विशाल एक बात बताओ, जब तुम्हारा ये हाथ तुमसे कहता है कि वो किसी को मारना चाहता है तब तुम क्या सोचते हो? क्या होता है तुम्हारे दिमाग में? कैसी अवस्था होती है तुम्हारी? सर 2-3 मिनट लगते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने हाथ को काबू में करने की,
लेकिन दो मिनट के बाद जीत मेरे हाथ की होती है सर। चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे इस रोबोटिक आर्म के अंदर एक ट्रांसमीटर फिट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो किसी को मारना चाहता है या फिर किसी और से उसे इशारा मिल रहा है कि जाकर खून करो, ये भी हमें पता चल जाएगा। बस एक बात बताओ विशाल, ये तुम्हारा असली हाथ गवाया कैसे? सर मैं पिछले साल खंडाला जा रहा था और एक रोड एक्सीडेंट। बस जिंदगी में हमें कई बार इम्तिहान देना पड़ता है। सर मेरे इम्तिहान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब नकली हाथ के साथ जिंदगी जीने की आदत डाली तो उसी नकली हाथ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विशाल तुमसे वादा करता हूं कि ना तुम्हें एक हाथ के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और ना ही वो असली मुजरिम आजाद घूम पाएगा। विशाल, मुजरिम ने पहले विशाल से आयशा का खून करवाया, आयशा जिससे विशाल बेहद प्यार करता था, फिर खून करवाया डॉक्टर यशवंत का जो विशाल की मदद करते थे, और फिर जान लेनी चाही प्रीति की जो विशाल की दोस्त थी। सारे के सारे विशाल के शुभचिंतक, सारे के सारे विशाल के आसपास वाले, सब के सब विशाल के करीबी, तो फिर ये मुजरिम कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ये मुजरिम? ये भी तो कोई करीबी हो सकता है, विशाल का करीबी। पंकज, विशाल के एक्सीडेंट के सारे डिटेल चाहिए मुझे, सारे के सारे। हेलो सर, मैं जसपाल। कंप्यूटर एक्सपर्ट? जी। कंप्यूटर हैकिंग जानते हो? बड़े से बड़ा कंप्यूटर हो या कोई सर्वर, चुटकियों में हैक कर सकता हूँ। रोबोटिक आर्म का सिस्टम हैक करना है, कर सकोगे? जी सर, बिल्कुल। ये रहे सारी डिटेल्स। हो जाएगा सर, पर इसके लिए मैं ट्रेस राउटिंग का यूज करूंगा। ट्रेस राउटिंग? जी हाँ सर, इस तकनीक के जरिए विशाल के आसपास के जो भी कंप्यूटर है उन्हें देख सकता हूँ। अक्सर मशीन के आखिरी में जो होस्ट नेम एड्रेस होता है वही हैकर का होता है। अच्छा। और ट्रेस राउटिंग के जरिए हम शहर के किसी भी इलाके में बैठा अगर हैकर होगा तो इजीली पता चल जाएगा। फैंटास्टिक। अब जिस किसी ने भी विशाल के रोबोटिक आर्म का सिस्टम हैक किया है, अब हम उसके सिस्टम को हैक करेंगे। ये देखिए सर, इस वक्त विशाल के आसपास ये सारे कंप्यूटर चालू हैं और इन्हीं में से एक कंप्यूटर है उस हैकर का। बस एक बार पता चल जाए वो कंप्यूटर कौन सा है फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। जसपाल जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। विशाल ने आज मुझे घर पे क्यों बुलाया है? अंकल आंटी भी नहीं है और पता नहीं क्या बात है। विशाल, विशाल। प्रीति यार तुम जानते हो तुम्हें मुझसे खतरा है, उसके बाद भी तुम यहाँ पे दोबारा आ गई। विशाल तुमने तो मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। मैंने? हाँ। मैंने कब बुलाया? तुमने वो विशाल, प्लीज विशाल, विशाल प्लीज। यस सर, उस हैकर की लोकेशन मिल गई है। मॉम, मॉम, विशाल,
मौत हो गई है किंग। फिर आ गए आप लोग। अब ये मत कहिएगा कि आप विशाल को पकड़ने के लिए आए। जी नहीं, हम विशाल को पकड़ने नहीं आए, खूनी को पकड़ने के लिए जो इस वक्त यहां पर मौजूद है। नहीं, और यहां पर क्या कह रहे हैं आप? आप अपना झूठा इल्जाम आप किसके ऊपर लगाने आए हैं? मरन जी, पिछले साल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था खंडाला में, 3 लोग थे उस गाड़ी में, 22 साल का लड़का विशाल, 15 साल का बच्चा संदीप और 9 साल की छोटी बच्ची सोनिया। गाड़ी विशाल चला रहा था, कार का एक्सीडेंट बहुत बुरा था, बच्ची सोनिया की जगह पे मौत हो गई और संदीप पैरालाइज हो गया, ये अभी चल नहीं सकता। ये सब आपको कैसे पता चला अंकल? इस एक्सीडेंट में सबसे कम चोट लगी विशाल को, हालांकि जो चोट लगी वो कम नहीं, विशाल को अपना हाथ गंवाना पड़ा। वैसे विशाल आपका सौतेला बेटा है ना? सर विशाल मेरे लिए सके से भी बढ़कर है। सर, आई रिक्वेस्ट यू, आप विशाल के लिए सौतेला शब्द यूज मत कीजिए सर। आई एम सॉरी मदन जी, काश सभी माता पिता आप जैसा विचार करते, काश रहमा जी ऐसा विचार करती है ना रहमा जी। वैसे आपके मन में बहुत गुस्सा है ना विशाल के लिए, क्योंकि विशाल की वजह से आपको अपनी सगी बेटी गंवानी पड़ी और आपका सगा बेटा जिंदगी भर चल फिर नहीं सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं वो अभी पता चल जाएगा। पंकज, सॉरी आंटी, लेकिन मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया कि आप ही के कहने पर मैंने ये सब किया। मैंने ही उन सॉफ्टवेयर को हैक किया था और मैंने सभी जगहों के सीसीटीवी कैमरास को भी हैक करके बंद किया। विशाल से बदला लेने के लिए पहले उसकी गर्लफ्रेंड को मारा, उसके बाद उस डॉक्टर को जो विशाल की मदद कर सकता था, उसके बाद प्रीति पर हमला। ये सब करने के लिए मुझे आंटी ने ढेर सारे पैसे दिए थे। सुभीन, तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। चलिए, सच्चाई अब आप सबके सामने आ ही गई है, तो मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैं तुम्हें मारने के बाद खुद मनन को भी मारने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से मेरे अपनों ने चोट खाई है, मैं भी चाहती थी कि विशाल भी उसी दर से गुजरे, उसे भी उतनी ही तकलीफ हो। वो एक्सीडेंट था, एक गलती। गलती? तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। तुमने लापरवाही से गाड़ी चलाई और सजा किसको मिली? मुझे और मेरे बच्चों को। मम्मी, मैंने हमेशा तुम्हें मां नहीं भगवान समझा। अगर ये सब करके तुम्हें सुकून मिल रहा था तो मुझसे एक बार कहा तो होता, मैं अपनी जान दे देता। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए थी, मैं तो तुम्हें जीते जी दुख भरी जिंदगी देना चाहती थी। और आप सब मुझे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने ममता के लिए किया। रहमा जी, मां इतना हल्का शब्द नहीं जो किसी औरत को मुजरिम बना दे। अरे मां तो वो होती है जो सिर्फ अपने ही नहीं दूसरों के बच्चों को ममता, प्यार और स्नेह से देखती है। विशाल भले तुम्हारा सगा बेटा नहीं था, लेकिन बेटा तो था ना, वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा था। वो कोई मां अपने बेटे से बदला कैसा ले सकती है, वो भी इस तरह का बदला। दो दो लोगों को जानी गंवानी पड़ी,
नहीं रायमा जी, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें।